तो गूगल ने फाइनली जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो सभी सैमसंग के डिवाइसेस में रोल आउट कर दिया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी नए अपडेट के बारे में कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले है सिक्योरिटी अपडेट और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। तो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है 9.5 MB का, तो इसको करते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल और देखते हैं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। तो इससे पहले जो है वो जनवरी का जो सिक्योरिटी पैच है उसको रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो है वो रीस्टार्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपडेट को इंस्टॉल होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो इस अपडेट की मदद से जो सिक्योरिटी रहती है और डिवाइस की स्टेबिलिटी रहती है उसको इम्प्रूव करता है। साथ में जो गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर उसको भी अपडेट करता है, उसके सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है इस अपडेट के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ समय लेगा दोस्तों अपडेट इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OneUI ऑप्टिमाइजिंग ऐप, तो ऐप्स को यहाँ पर जो है वो ये ऑप्टिमाइज कर रहा है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, करते हैं चेक। तो यहाँ पर चलते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, यहाँ पर अपडेट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी भी जनवरी का ही सिक्योरिटी पैच है, तो यहाँ पर कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। फिर से अपडेट को करते हैं चेक, तो यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है। और एक और अपडेट हमें देखने को मिलेगा मार्च के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो यहाँ पर जो है वो अपडेट आ चुका है, 47 MB का अपडेट है। तो इसको करते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल और देखते हैं क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम गूगल अपडेट नाउ टू कीप सेफ एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, तो करते हैं इसको इंस्टॉल और देखते हैं क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। तो यहाँ पर पिछला अपडेट जो मैंने इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है वो इंस्टॉल ही हो रहा था। तो यहाँ पर इस अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया जो 47 MB का अपडेट है। तो यहाँ पर भी जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ये जो है वो ऑन हो चुका है डिवाइस। तो यहाँ पर रीस्टार्ट होने के बाद कुछ समय लगता है दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन आने में। यहाँ पर हमें शुरू में हल्का सा बग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है अपडेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। चलते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ पर अपडेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो मार्च का यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। तो ये जो है वो लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से जो है वो अपडेट इंस्टॉल कीजिए और लेटेस्ट अपडेट जब भी आए तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका डिवाइस सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है गूगल, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।